हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम घर बैठे RSCIT कोर्स में एडमिशन लेना सीखेंगे अपने मोबाइल अपने कंप्यूटर के द्वारा। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान स्टेप में मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि आप वीडियो को समझ सकें। और अभी हाल फिलहाल में मुझे कमेंट आया था कि RSCIT जो कोर्स है उसमें हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो कैसे एडमिशन लें। तो इसी के लिए मैंने खास करके वीडियो बनाया कि जो भी RSCIT कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए मदद हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास कंप्यूटर हो या मोबाइल हो तो सबसे पहले उसमें कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लें। या मेरे पास यहाँ पर कंप्यूटर में क्रोम है तो क्रोम को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है RKCL.in और डायरेक्ट यहाँ एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पेज ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं लिखा हुआ है RSCIT, एक परिपूर्ण कंप्यूटर कोर्स, यानी आप घर बैठे यहाँ से अपने पढ़ाई को कंप्यूटर को कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं एडमिशन ओपन है, तो सिंपली आपको नीचे यहाँ कोई भी ऑप्शन में क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर जो एडमिशन के लिए आपको एडमिशन ओपन पर ही क्लिक करना है, जिसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर दूसरा एक पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं ये अभी हमारा कंप्यूटर स्लो चल रहा है क्योंकि यहाँ पर नेट की समस्या है, तो हमें एक पोर्टल पर लेके जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आ सकते हैं, देख सकते हैं आप इंक्वायरी सबमिशन यहाँ पर सब दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डालना है। तो मेरे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर है अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं उसको यहाँ डाल लेता हूँ। और आपके पास जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा उसको आप डाल के यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिएगा, ताकि जिससे आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके और इसके मदद से आप अपने एजुकेशन को कंप्यूटर कोर्स को कंप्लीट कर सको। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना डालता हूँ 9031507666। इतना डालने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये नंबर मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। प्लीज़ इंटर लास्ट 10 डिजिट, यहाँ हमें नंबर अपना एक बार चेक कर लेना है, नंबर सही डालना है। अगर नंबर गलत होगा तो हमारे ये OTP नहीं जाएगा, यहाँ पर आपको करेक्ट करना होगा। तो ये हमारा नंबर करेक्ट हो गया और सेंड OTP पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया और हमारा यहाँ पर सेकंड पेज ओपन हो गया, जिसे यहाँ पर लिखा हुआ मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन। तो आपका मोबाइल नंबर यहाँ डालना है जो आपने मोबाइल नंबर अभी इंटर किया था, सेम मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। और इंटर करने के बाद आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, जिस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर फिलहाल अभी हमारे पास OTP आया नहीं है, हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा OTP के लिए। और OTP नहीं आता तो आप बैक जाकर दूसरे नंबर से भी रजिस्टर कर सकते हैं, बस ये देखना है कि आपका मोबाइल नंबर वो चालू है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, और फिलहाल अभी तक हमारे में OTP नहीं आया। तो फिर एक बार रिसेंट पर हम क्लिक करेंगे। रिसेंट पर क्लिक करने के बाद भी अगर नहीं आता तो हम मोबाइल नंबर अपना चेंज करेंगे, ये समस्या आपके भी साथ हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं आया, तो हम बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद में फिर से यहाँ पर हम अपने आते हैं और दूसरे नंबर से हम यहाँ रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर एडमिशन पर क्लिक करना है ओपन पर, और मैं यहाँ पर अपना दूसरा नंबर डालता हूँ यहाँ पर। डालने के बाद यहाँ पर OTP सेंड OTP पर क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर, तो फिर से वही नंबर डालना है। और इतना करने के बाद मेरे मोबाइल पर OTP आ चुका है, तो यहाँ पर हमें उस OTP को देख के डाल लेना है, जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ। और यहाँ पर सिंपली हमें कंफर्म पर क्लिक कर देना है।
कंफर्म पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टू सबमिट इंक्वायरी पर आपको यहाँ पर क्लिक हियर लिखा हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये RKCL वेब पोर्टल पे लेके जाएगा, जहाँ पर आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स में आपको RSCIT सेलेक्ट कर लेना है, और आपको ब्रांच तो अभी जो मंथ चल रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और डिस्ट्रिक्ट आप अपना जो भी यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपना कोई सा भी एक ऊपर में देख सकते हैं, अजमेर है, मैं अजमेर को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक मैं एग्जांपल के लिए बताया हूँ, जो आपका होगा वो आप उससे सेलेक्ट कीजिएगा, और अजमेर का अजमेर ही होगा यहाँ पर तहसील भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट ITGK कोड, यानी यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इतने सारे जो भी एजुकेशन सेंटर्स हैं उनका यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, यानी इंस्टीट्यूट का जो भी डिटेल्स है, मतलब कि एड्रेस सही दिया हुआ है। अगर आपको इसमें से कोई भी नियरेस्ट लगता है या आपके सामने का है, अगर कभी आप फ्यूचर इन फ्यूचर कभी भी आप विजिट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप विजिट कर सकते हैं। तो मैंने अजमेर सेलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके अजमेर को ही यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर शो डिटेल्स पे हमें क्लिक करना है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है ऊपर में। प्रोसेसिंग होने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन जो सेंटर है उसका नाम आ जाएगा, KR गर्ल्स, यानी गर्ल्स के लिए यहाँ पर जो स्पेशली है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाता है आपको, और यहाँ पर साथ में यहाँ पर ईमेल ID मिलता है, और यहाँ पर आपको एड्रेस भी मिल जाएगा जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली, और ये आपको कांटेक्ट नंबर मिल रहा है, आप वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना होगा, फादर नाम डालना होगा, और मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी आपने डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पर सबमिट इंक्वायरी पे करना है। इसके बाद मेन प्रोसेस क्या होता है, जैसे आप ये सबमिट करते हैं, और सबमिट करने के बाद में आप लोगों को जैसे कि एक मेल ID प्रोवाइड किया जाता है, मेल ID और पासवर्ड दिया जाता है, जिससे इसके सर्वर पर, इसके साइट पर आप पोर्टल पर जाकर लॉगिन करके उसमें एंटर करके आप अपने एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, यानी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास फेसबुक अकाउंट हुआ, या तो जीमेल अकाउंट हुआ, गूगल अकाउंट, कुछ भी अकाउंट हुआ, उस तरह से ही मेल ID आपको दिया जाता है, जहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ता है। जाने के बाद में उसमें लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर से इजीली अपना पढ़ाई को, कंप्यूटर कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और जितना ये सबमिट करने के बाद में, यहाँ पर जो आपको नाम पता डालने के बाद में ये सबमिट कर देंगे, तो इसके बाद इस कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ से आपको कॉल आएगा या मैसेज आएगा, तो आपसे अपना डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जैसे कि आपके आधार कार्ड हुए, या आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स हुए, जैसे मैट्रिक का हुआ, या जिस भी आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका लेटेस्ट जो भी अभी चल रहा है आपका +1 +2 जो भी है, उसका आपको डिटेल्स भेजना पड़ेगा। सॉफ्ट कॉपी या तो मेल पर भेजिए या तो व्हाट्सएप पर, जैसे उनके द्वारा मांगा जाएगा। तो इस तरह से करने के बाद में सारा कुछ, यहाँ पर सबमिट इंक्वायरी करने के बाद में आपका सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, और सारा कुछ होने के बाद में आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा। आप घर बैठे ही इस वेबसाइट द्वारा आप अपने एजुकेशन को कंटिन्यू और बढ़िया तरीके से आप चालू रख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यहाँ पर सारे आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है इस साइट द्वारा, आपको ऑनलाइन ही सारा कुछ मिल जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। जो भी फीस जमा करना होगा ऑनलाइन ही जमा हो जाएगा, ऑनलाइन ही सारा यहाँ पर प्रोसेस होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा ही नॉलेजफुल वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लेके आते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सेफ रहें। धन्यवाद।